कम्माई मैं लाइफ में। नॉर्मली अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कम बात करता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा। और जैसे ही कोई फालतू की बात होने लग जाती है ना, कि कोई छोटी मोटी बात भी हो, जैसे घर में बहुत सारी बातें होती हैं और जबरदस्ती स्ट्रेस हो जाती है, ये सब्जी तुम क्यों नहीं खाते, पहले तो तुम बहुत खाते थे, अब क्या हो गया, बेकार की बात, अब बेकार की बात, ऐसे करके मैं साइड हो जाता। और जब यहाँ पे बैठता हूँ आप लोगों के सामने, तो मेरा मुंह बस थकता नहीं, मैं बोलता ही जाता हूँ, बोलता ही जाता हूँ। तो मेरी वाइफ कल पूछ रही थी, तुम्हें किस बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद है, वो भी एस्ट्रोलॉजी जानती है बहुत अच्छी। तो इनफैक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट मेरे से भी पहले हुआ था, मैंने उसको डेवलप बहुत कर लिया, एज अ प्रोफेशन क्योंकि अडॉप्ट कर लिया, वो हॉबी के तौर पर करती है। तो कह रही तुम्हें किस बारे में बात करना पसंद है, फिर एकदम से बोली अपने सब्जेक्ट के अलावा, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज पे बात करना पसंद ही नहीं। व्हाई टू वेस्ट एनर्जी घर की छोटी छोटी बातों पे, इसके उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स पे, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, और ये होती है अननेसेसरी मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम्हें ये सीरियल क्यों पसंद नहीं है, पहले तो ये हीरो बहुत पसंद था, अब क्या हो, इन बातों में क्या रखा। टाइम के हिसाब से चीजें बदलती जाती हैं। बात छिड़ी है तो एक पॉइंट बता देता हूँ, आपको किस बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद होगा, ये उसका सवाल था। आप पत्री में इसको कैसे देखोगे, देखो आप लोगों को एक सूत्र देता हूँ, ये मेरी वाइफ ने आज सुबह या कल सुबह की बात है, उसने मुझे बताया। कम्युनिकेशन की राशि कौन सी है, तीसरी राशि, और तीसरा भाव है ना, तीसरा भाव जो होता है वो जी कम्युनिकेशन का होता है। आपकी पत्री में तीसरी राशि जहां पर बैठी होगी, उस बारे में बात करना आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा। अपनी अपनी पत्री में हिसाब लगा के देखो, सिंपल है ना। हम घर में भी बात करते हैं तो इसी जी तरह की कोई ना कोई टॉपिक पे बात होती है, तो इस बारे में जितनी मर्जी बात करा लो, क्योंकि जितनी बात करोगे उतना कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आप सिखाओगे, ऐसे ही चलता है। यहाँ कोई टीचर नहीं है, सब स्टूडेंट है, ठीक है। बेदी सर, आप लोग सब जानकार तो हो ही, तो बहुत बेसिक तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्लैनेट्स के नाम और वो सब तो आप लोगों को पता ही है ना। शुरुआत ही करते हैं पहले प्लैनेट से। पहला प्लैनेट है हमारा सन, है ना। सूर्य जो है वो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम में राजा है, तत्व उसका अग्नि है, रिश्ते में वो हमारे फादर है, प्लस हमारी पहली संतान भी है, ठीक है। अब सूर्य जो है किसके साथ कब कैसे बैठेगा और उसके क्या रिजल्ट होंगे, इसको लिखने के बजाय, रिकॉर्डिंग है लिख तो बाद में भी लोगे, जब लिखने का पॉइंट आएगा तो मैं आपको खुद लिखवा बोल दूंगा कि आप लिखना शुरू कर दो, लेकिन अभी ना एक चीज समझो, रघुनंदी नाड़ी में अगर आप लिखने पे आओगे तो ये जन्म कम पड़ेगा, इतने सूत्र हैं, ठीक है। 20 क्लास कर लो, 40 क्लास कर लो, 60 क्लास कर लो, 100 क्लास कर लो, सूत्र खत्म नहीं होंगे। लेकिन उन सूत्रों की रचना कैसे हुई, कैसे उस सूत्र को बनाया गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर एक बार वो समझ गए तो सूत्र आप खुद क्रिएट कर लो, फॉर्मूलाज खुद बना लो। तो मैं आप लोगों को वो की पकड़ाऊंगा पूरे कोर्स में, जिससे फॉर्मूले बनते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा। बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं, मेरे पास नोट्स हैं, हजारों लाखों सूत्र मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे क्लास में आऊं, रीडिंग करूं और आप लोग नोट करते जाओ, पत्री में लगा लेना, सूत्र लग जाए 100% लगे। वो मेरे लिए पढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, अगर मैंने अपनी कोई रिसर्च नहीं करी तो। लेकिन अगर ज्योतिष के बारे में सही मायने में अंदर आपकी पकड़ है, तो आप वो सूत्र फॉर्मूला क्यों बना, कहां से बना, वो अगर पकड़ लोगे ना, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि वो पकड़ाऊंगा। तो बहुत बार ऐसी चीजें मैं बोलूंगा जो देखने में कुछ और होंगी, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन की कोशिश करना,
उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। रिकॉर्डिंग को 10 बार देखोगे ना, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो समझा रहा हूँ, उसको पकड़ना शुरू करो। लिख लेना बाद में, रिकॉर्डिंग है तो लिख तो जाएगा ही बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लैनेट्स में सबसे पहला प्लैनेट होता है सूर्य। सूर्य हमारे पिता और हमारी पहली संतान, दोनों सूर्य से देखी जाते। सूर्य जो है बाकी के जो 9 प्लैनेट हैं उनमें से किसी ना किसी के साथ बैठा हो तो क्या होगा, पहले हम उसको पकड़ते। सूर्य अकेला बैठा होगा, एक कंडीशन तो ये होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है सूर्य प्लैनेट्स के साथ बैठा होगा। साथ बैठा होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर किसका असर आएगा, कैसे आएगा वो बताओ। सूर्य जब सबसे पहले बैठेगा चंद्रमा के साथ, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं एक ही हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हुए। ठीक है, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो सूर्य और चंद्र की युति होगी। ठीक है, ये अमावस योग बनता है। सूर्य और चंद्र जब आपकी पृथ्वी में एक ही हाउस में होते हैं तो अमावस्या के आसपास का आपका जन्म होता है। यह एग्जैक्ट होगा या एक दिन आगे या एक दिन पीछे का आपका जन्म होगा। सूर्य और चंद्रमा की युति, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। कहते रहो आप अमावस योग है तो राजा रानी योग। तो जब राजा और रानी दोनों एक साथ बैठे हैं तो दरबार जो होता है वो फुल पावर में आएगा नहीं आएगा। जिस दरबार में सूर्य राजा बन के बैठा हो, साइड में उसकी पत्नी बैठी हो, तो फिर दरबार की जो पावर है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जब दरबार की पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, सबसे बड़ा दरबार हमारी लाइफ में सूर्य का कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब है ना जी। तो सूर्य और चंद्रमा जब जुड़ेंगे तो गवर्नमेंट चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या आपका प्रोफेशन या आपका काम ऐसी किसी चीज से जुड़ा हो जहां पे सरकार से गेन लिखा हो, मतलब आप ऐसे सेक्टर में काम करते हो जो सरकार से फंडेड है, आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो जिसमें सरकार से फंडिंग हो सकती है, सरकार की ट्रेजरी से कहीं से पैसा आ सकता है, कोई भी ऐसा काम, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकार से आपको बेनिफिट बहुत होने वाला। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं भी हो तो भी आप राजा की तरह होगे, मतलब सरकार की तरह होगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, धीरूभाई अंबानी की पत्री में सूर्यचंद्र युति है, खोल के देख लेना। ठीक है, आप कहते रहो अमावस का जन्म है, लेकिन धीरूभाई अंबानी को देख के अमावस के जन्म के कौन से बैड इफेक्ट आप बताओगे, बता दो। उन्होंने सारी जिंदगी गवर्नमेंट की स्कीम्स में से कोई ना कोई बेनिफिट उठाने का तरीका ढूंढ के अपना बिजनेस बढ़ाया। रिलायंस इंडस्ट्री जो बनी है उसका बेस ही है। आप कहते हो अमावस योग, ठीक है, तो सूर्य और चंद्र की युति जब भी होगी आप खुद अपने आप में एक अथॉरिटी होगे, सरकार की तरह हो। आपका डोमेन कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं, आप एक अथॉरिटी होगे। डोमेन सबका, अब हर कोई अंबानी तो नहीं है, पत्री में तो योग लाखों के हैं, लेकिन जिस डोमेन में आप हो आप उस डोमेन के किंग होगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बार मैं, आदत है ना, बीमारी है ज्योतिष की, मैं एक बार सब्जी खरीद रहा था तो बुढ़िया एक थी बेचारी, कोई होगी 55-60 साल के आसपास की,
वो सब्जी बेच रही थी, तो उसने जब पैसे के लिए हाथ किया तो मैंने उसके हाथ में देखा बड़ी जबरदस्त सूर्य रेखा थी। बीमारी है ना, कुछ ना कुछ तो देखना ही है, माथा देखो, चेहरा देखो, यही सब करते हैं हम सारा दिन, और क्या करते हैं। तो उसने जब पैसे के लिए हाथ निकाला अपना आगे, तो उसमें सूर्य रेखा बड़ी चमकती हुई दिखी, और बेच रही है पटरी पे सब्जी। तो मेरा मन हुआ कुछ बात करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, तो उससे मैंने कुछ डिस्कशन किया वैसे ही टाइम पास करने के लिए। पता ये लगा कि जो सब्जी मंडी की जो आपस की यूनियन है ना, उस यूनियन की वो प्रेसिडेंट है, उसका डोमेन तो वही है ना, तो वो उस डोमेन में भी प्रेसिडेंट है। सूर्य बलि होगा तो ये कराएगा, सूर्य चंद्र होगा तो इससे बेनिफिट जरूर करेगा, ठीक है। तो सूर्य इतना पावरफुल ग्रह है, वो आपका डोमेन कुछ भी हो सकता है, आपका एरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सत्ता दिखाएगा, उसका स्वभाव सत्ता का है, ठीक है। तो सूर्य और चंद्र सरकार से बेनिफिट का क्लियर वो देते हैं संकेत, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की पत्री में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे, तो आप क्या कह सकते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है? या सूर्य मेरी पत्री में बैठे हैं अगर, तो सूर्य मेरे पिता हो गए, मेरे फादर हो गए ना, तो मेरे फादर किसी हायर पोस्ट पे नौकरी में, सरकारी नौकरी में रहे हो सकते, ठीक है। या मेरा पहला बच्चा, उसको भी गवर्नमेंट से बेनिफिट हो सकता है। एक प्लेनेट, एक कॉम्बिनेशन और तीन पीढ़ियों के बारे में आपको इंडिकेशन मिलते हैं। मैं इंडिकेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पूरा चार्ट लगेगा प्रेडिक्शन तब बनेगी, ठीक है। तो मेरे लिए मेरा बेटा भी सूर्य हुआ, मेरे लिए मेरे पिता भी सूर्य, और मेरे लिए मेरी नौकरी भी सूर्य हुई। सामने वाला आया, उसने क्वेश्चन किया कि जी मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो थोड़ा सा एज टैली करके देख लो, ये योग है तो उसको आप बता सकते हो कि हाँ भी लग सकता, ठीक है। आपने देखा होगा ज्यादा तो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वो चाहते हैं उनका बच्चा भी कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, चाहे या ना चाहे उनकी अंदर से इच्छा जरूर होती है क्योंकि ये कंफर्ट जोन जरूर मिलता है, ठीक है। सूर्य मंगल से युति कर रहे हैं, एक ही भाव में बैठे हुए ये दोनों प्लैनेट, ये याद रखना, अभी मैं वही बता रहा हूं। तो सूर्य पिता है, मंगल गुस्सा है, एक्शन है, तो सूर्य और मंगल की युति होगी तो उसको पूछो आपके पिताजी को गुस्सा बहुत आता है क्या? तो बोलेगा हाँ। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, ठीक है। अभी हम भावों को नहीं देख रहे, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, बाई चांस किसी की पत्री में ये कॉम्बो हो तो वो मैच करा लेगा। अगर सूर्य और मंगल की युति पत्री के फर्स्ट हाउस में हो रही है तो उसके पिता की अक्सर आंखें लाल हो जाती है। फर्स्ट हाउस कौन सा है? ऊपर का एरिया हमारा है ना, चेहरा हमारा, चेहरे में लाल क्या हो सकते, दांत तो हो नहीं सकते, आंखें ही लाल होंगी क्योंकि सूर्य की आंखें होती हैं, आंखें सूर्य से देखते हैं, और मंगल के साथ बैठा है सूर्य, तो जरा सा कुछ कहा नहीं किसी ने, पापा जी की आंखें लाल हो जाएंगी, पापा बहुत गुस्से वाले हैं, सूर्य आंखें हैं, मंगल के साथ बैठे, ठीक है। कहीं पे भी हो आंखें लाल होंगी पापा की, लेकिन अगर लगन में हो जाएगा तो लाल होने से खराबी होगी क्योंकि वो अपने प्लेसमेंट पकड़ लिए उन्होंने, तो वहां पे इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब मंगल वर्दी वाली नौकरी है, मंगल वर्दी वाली नौकरी है, तो जितनी भी और बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे यूनिफॉर्म होती है,
जैसे ऐसा नहीं कि आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री इसी में होती है, जैसे पायलट हैं इनकी भी यूनिफॉर्म होती है ना, नर्सेस हैं इनकी भी यूनिफॉर्म होती है, और बहुत से प्रोफेशन है जो प्राइवेट गार्ड्स होते हैं इनकी भी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है ना। तो सूर्य और मंगल की युति है, तो पापा किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में भी हो सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग भी मंगल से आती है और मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर भी मंगल से आता है। तो सूर्य और मंगल की युति होगी तो वहां से आपको कितनी चीजें समझने को मिली। मंगल से बिल्डर भी होता है, मंगल से जमीन भी होती है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं सूर्य के साथ जुड़ी हुई है, तो पापा इन चीजों से जुड़े हुए होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल है ना, जाने दो हाउस कौन सा है, दूसरा है, छठा है, सातवां, अभी हम हाउस की कोई बात नहीं करते, ये है तो होगा। ठीक है, सूर्य जुड़ा बुध से, एक ही भाव में बैठा है, ध्यान रखना। रघुनंदी नाड़ी में मरकरी से एजुकेशन देखी जाती, ठीक है। सूर्य स्टेटस होता है, पिता भी है, स्टेटस भी है, समाज में आपका स्टेटस धन से बनता है ना। सूर्य जुड़ा हुआ है बुध के साथ, तो एजुकेशन हाई फाई होगी, स्टेटस वाली होगी पापा की एजुकेशन। मरकरी और सन अगर एक साथ एक ही हाउस में बैठे हैं तो फादर बहुत पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, और फादर का स्टेटस एजुकेशन की वजह से होगा, या उनकी एजुकेशन बहुत स्टेटस वाली होगी। अब एजुकेशन स्टेटस वाली कौन सी होती है, जैसे लोग एमबीए करते हैं, जरा हाई लेवल की पढ़ाई है ना, तो वो सारा, तो हम एक सिंपल वर्ड में कह देते हैं, मंगल अगर सो चंद्रमा और बुध एक साथ, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, तो हम अक्सर बोल देते हैं कि एमबीए किया हुआ है। जैसे उस दिन कंचन जी की पत्नी में सूर्य बुध इकट्ठे बैठे, ठीक है, मैंने कहा एमबीए किया हुआ, लेकिन मैंने दूसरी तरफ नहीं देखा, बुध के साथ केतु की युति हो रही है। बुध पढ़ाई है, केतु डिस्ट्रक्शन है, तो पढ़ाई कभी आपको कॉलेज पूरा करने ही नहीं देगा, आप कुछ भी कर लो। लेकिन केतु ऑकल्ट की पढ़ाई भी है, केतु ऑकल्ट है ना, तो अगर शनि केतु का योग होगा तो आदमी ऑकल्ट की पढ़ाई करेगा, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई छूट जाएगी, तो उसके बीच में एक ब्रेक आएगा, किसी का 5 साल का, किसी का 7 साल का, किसी का 10 साल का, लेकिन वो एक दिन अकल्ट की पढ़ाई करेगा जरूर, क्योंकि बुध के साथ केतु जुड़ा हुआ, पढ़ाई किसकी हो गई, केतु की। ठीक है, तो सन और मरकरी अगर जुड़े हुए हैं तो पापा की पढ़ाई अच्छी हो सकती है, कहीं से केतु वेतु ना जुड़ रहा हो वो देखना पड़ेगा, हो सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ। जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये हो सकती वाला फंडा खत्म हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, हो सकती है नहीं बोलूंगा मैं, अभी हो सकती है बोलूंगा, क्योंकि तब हमारे पास कंप्लीट चार्ट होगा। अगर सूर्य के साथ जुपिटर जुड़ गया तो पिता धर्मात्मा होगा, रिलीजियस जुपिटर है, धर्म कर्म वाले होंगे, ठीक है। पिता वीनस के साथ जुड़ गया तो उनका वीनस के साथ जुड़ना किसी क्रिएटिव फील्ड के बारे में बताता, पहली चीज। दूसरी बात, अगर सूर्य और वीनस एक साथ बैठे हैं तो उनका पैसे वाला होना कंफर्म है, पापा के पास बहुत पैसा होगा, क्योंकि वीनस मनी है ना। वीनस को हम मनी भी देखते हैं, वीनस को हम क्रिएटिव फील्ड से भी देखते हैं, ये अगर
एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, अगर वीनस और सन 3 डिग्री से भी कम में आके तो इम्पोटेंसी हो जाती है, स्पर्म मर जाते हैं। तो ये 3 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 3.5 डिग्री भी होगा तो भी चलेगा, 3 डिग्री प्लस होना चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पापा के पास पैसा बहुत होगा क्योंकि वीनस पैसे, मां लक्ष्मी की गोद में पापा जी बैठे हैं, ठीक है। अगर सूर्य शनि के साथ बैठा है, ये भी सरकारी नौकरी का योग है, सूर्य और शनि सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन सूर्य और शनि हड्डियों की दिक्कत भी देता है। सूर्य हड्डियां हो गई, शनि उसमें डेंट हो गया है ना, तो जोड़ों की दिक्कत पापा जी को रहेगी, कमर की दिक्कत, जोड़ों की दिक्कत, जॉइंट पेन, ये सब होगा। सूर्य और शनि सरकारी नौकरी तो दे देते हैं, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल को कंसिस्टेंट रखते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होती। आप एक परेशानी से जूझ के निकलोगे, दूसरी परेशानी सर पे खड़ी हो जाएगी, दूसरे से निकलोगे तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरे से निकलोगे चौथी खड़ी हो जाएगी, ये सिलसिला रुकता ही नहीं। सूर्य शनि की सरकारी नौकरी दे सकता है, दृष्टि में आ जाए, युति में आ जाए, एक हाउस में आ जाए, शनि से दसवें हो जाए, सूर्य से शनि से दसवें सूर्य हो जाए, सरकारी नौकरी है, बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी से मतलब यही लगाना, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में सरकारी नौकरी तो बहुत कम होती जा रही, लेकिन सरकार से बेनिफिट वो कम नहीं हुए, वो उतने के उतने ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सूर्य की ये सारी चीजें पूरी। अच्छा, राहु केतु, सूर्य अगर राहु से जुड़ेगा तो जिंदगी में फादर के अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, ठीक है, क्योंकि राहु जो है ना वो परिवर्तन का कारक है, तो पापा की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में। सूर्य के साथ केतु बैठा है तो पिता किसी तरीके से भी आप मान लो उसको, लेकिन वो अपने अगर आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखोगे, फादर की पर्सनालिटी को, तो वो संत सरीखे होंगे जिनका सोशल कनेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, वो वाले संत होते हैं जो असल में जंगल में रहते हैं, उनको किसी से समाज से कोई लेना देना नहीं, वो समाज में आते नहीं। जब सूर्य और केतु वो करता है ना, डिटैच करता है ना, तो फादर और केतु साथ में लग गया तो डिटैचमेंट, ये लोग अगर परिवार में भी हैं तो इनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता, बिल्कुल अलग रहते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कोई लेना देना नहीं किसी से। अगर अपने परिवार के 4 लोगों को भी देखेंगे ये, तो बस इतना ही देखेंगे कि जितना उनके हैसियत है उनके बस की। एक स्टेज के बाद वो अपने बच्चों को भी कह देते हैं, भैया तुम्हारी किस्मत है, तुम जानो मैं क्या कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे कि हाँ बच्चा ठीक करे, अच्छा करे, लेकिन एक स्टेज पे आके वो भी केतु के हो जाएंगे, मतलब भगवान भरोसे छोड़ देंगे कि मैं क्या कर सकता, जब तक मेरे बस में था मैंने जो करना था मैंने किया, अब तुम जानो तुम्हारा काम, ठीक है। तो बहुत आइसोलेटेड सी पर्सनालिटी होती है इनको, दुनिया में रहना समाज में रहना कुछ ज्यादा पसंद पसंद आता नहीं, इनका सर्कल भी नहीं होता, लोग भी नहीं होते इनके ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना होता ही नहीं, बस अपना काम किया अपने काम से वापस, अपना काम किया अपने काम से वापस, इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं। अब ये सूर्य के हमने चंद्रमा से लेके केतु तक के सारे कॉम्बिनेशन बताए। अब अपनी अपनी पत्री में, पत्रियां तो सबको अपनी अपनी याद होंगी है ना,
आपके फादर के साथ जो चीजें बताई, कोई प्लैनेट जिसका साथ बैठा हो, अभी सिर्फ उसकी बात करते, एक ही हाउस में मैच किया कि नहीं किया? और अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो जरूर कर सकते हो।